अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ बलोची चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो बहुत जल्द बन जाती है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और जायके में भी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें जो हमें चाहिए होंगे। चिकन लिया है 500 ग्राम, काली मिर्च पीसी हुई 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका या 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, कटा हुआ अदरक 1 खाने का चम्मच, कटी हरी मिर्चें 4 से 5, लहसुन पेस्ट 2 चाय का चम्मच भर के और तेल 1/2 कप। एक पतीली में तेल गरम करेंगे 1/2 कप और उसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट और इसको भून लेंगे। लहसुन का पेस्ट भून लिया है, अब इसमें शामिल करेंगे चिकन और कटी हुई हरी मिर्चें और चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे। ये चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, अब इसमें शामिल करेंगे नमक, हल्दी और कटा हुआ अदरक। इन सब चीजों के साथ चिकन को भून लेंगे। इन सब मसालों के साथ चिकन को थोड़ा सा भून लिया है, अब इसमें पानी शामिल करेंगे इतनी मिकदार में जिसमें चिकन गल जाए। यह मैंने 1/2 कप पानी शामिल किया है और इसको कवर करके अब पकने देंगे। पानी तकरीबन 1/2 खुश्क हो चुका है। पानी खुश्क हो जाने पर चिकन को भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी तकरीबन पूरी तरह से खुश्क हो चुका है। अब चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, आंच बंद कर देंगे और बिल्कुल आखिर में पीसी काली मिर्च शामिल कर देंगे। अभी इसे डिश आउट कर लेंगे। बलोची चिकन कढ़ाई रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।